इरेगुलरिटी हुई है इनकी लीज या सबलीज में, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई करे ये कमीशन। ये दूसरा TOR है उसका, क्या जो उसके ओनर्स हैं, ठीक है लीज है उसकी टर्म्स ऑफ जो उसकी लीज की एग्रीमेंट के टर्म्स हैं उसकी कोई वायलेशन तो नहीं है, और अगर वायलेशन है तो उसकी क्या रेक्टिफिकेशन है, क्या वायलेशन में वो जगह उसकी गिरा देनी है, क्या पेनल्टी दे के छोड़ देना है, वो एडवाइस करे हमें। किसी भी सरकारी अफसर ने अपने पावर्स को एक्सीड किया है कोई परमिशन देने में कंस्ट्रक्शन की, वो भी हमें स्पेसिफिकली कमीशन बताए ए बी या सी कि जी इस शख्स ने इस बिल्डिंग या इस घर या इस दुकान इस स्ट्रक्चर की अप्रूवल में किया है प्रॉब्लम, तो वो जो गलती की है एक्सीड की अपनी अथॉरिटी वो आइडेंटिफाई करके कमीशन दे हमें। हम कह रहा हूँ कि इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अच्छी शोहरत वाले रिटायर्ड 21 ज़्यादा के अफसर या सुपीरियर कोर्ट मीनिंग या इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके रिटायर्ड जज, उनसे हम ये उनएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट इशू कि क्या कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू है, किसी की इन्वेस्टमेंट है, जैसे ये नस्ला टावर का हम जिक्र करते हैं, लोगों ने अपनी सारी उम्र की सेविंग्स कुछ उधार लेके कुछ तरीके से ये होगा, उनका दो कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कोर्ट का ऑर्डर कि जो नस्ला टावर के मालिक हैं वो सबको पैसे दें, अगर ये हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक इट्स ईजियर सेड देन डन, पैसे दे दें हर एक को, मतलब वो उसके पास पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन है उसके मालिक, उनके पास पैसे होंगे या नहीं इतने कि वो दे देंगे लोगों को, और वो भी क्या कॉन्टेस्ट किए बगैर के पैसे दे के चले जाएंगे सारी से। अगर ऐसा हो जाता और ये माहौल होता तो वो नस्ला टावर वाले भी कोई ज़्यादा परेशान ना होते, अगर उन्हें ये पक्का होता कि जी मेरी जी 1 करोड़ या 2 करोड़ या जितने का भी फ्लैट है वो मुझे पैसे मिल जाएंगे अपने, तो फिर वो शायद इतने परेशान ना होते। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये जजमेंट तो है लेकिन उस पर अमल दरामद कितने आसानी से वो हो सकेगा या नहीं। तो उस ह्यूमैनिटेरियन इशू को रखते हुए क्या इस इलीगैलिटी को रेगुलराइज करने का कोई तरीका कार हो सकता है हुकूमत के लिए, जो कि कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर भी रहे, हम किसी कोर्ट की जजमेंट को नहीं करना चाहते डिफाई, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल लेते हुए अगर कोई कानून साजी करनी है, कोई असेंबली ने एक्ट कर बनाना है, कोई गवर्नमेंट ने रूल्स बनाने हैं जिसके तहत ये रेगुलराइज हो सके सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, और सिर्फ लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है बचाने के लिए कि उनकी रहना हो जाए, और ये भी बता दें कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या एक तो होगी उनको कॉम्पनसेट करें या रेगुलराइज करें, कहें नहीं जी ये बिल्डिंग या ये घर या ये जगह ऐसी है कि इससे नुकसान ज़्यादा है इसके इधर रहने से, तो आपने कोई और कॉम्पनसेशन का तरीका करना होगा। तो ये कमीशन का यही होगा, फिर कमीशन से हम ये रिकमेंडेशन चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए भी अपनी रिकमेंडेशंस दें, और आखिरी में एक वो स्टैंडर्ड जो होता है कि एनी अदर फंक्शन विच इज गवर्नमेंट में असाइन टू दी कमीशन। तो ये इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे बताया आपको, हम 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं और वंस उनकी कंसेंट मिल जाएगी हमें, जो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो वो उसका ऐलान भी कर देंगे। इस इंक्वायरी कमीशन को सारी फैसिलिटेशन हुकूमत देगी, जो उनको लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे उनको, ताकि जल्द से जल्द ये जो जैसे मैंने कहा था कि एक सिंध हुकूमत के ऊपर कि जी आपने क्या किया, तो हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन की इंक्वायरी के तहत जो रिकमेंडेशंस आती हैं उन पे हम इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। तो ये मैंने बस आपको काबीना ने मंजूरी दे दी है, और काबीना ने ये भी
मुझे ऑथराइज कर दिया है कि आप जब आइडेंटिफाई कर लें तो वो आप फिर हमें दोबारा काबीना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप जो भी इंडिविजुअल हैं उनको आप अनाउंस कर दें और उनको सारी फैसिलिटेट करें। और एक सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ, आखिरी मैं ख़त्म कर लूँ, फिर ज़रा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको ब्रीफली रिपीट करूँ, तीन चीज़ें सारे इफेक्टिव के लिए, प्लॉट डन मंजूर हो गया, उनके घर बनाना सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक ह्यूमैनिटेरियन इशू पे हमारा साथ देगी, बड़े मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स अ नो, मतलब मेरी अकल के मुताबिक इट्स अ नो ब्रेनर, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ अच्छे काम के लिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसमें और कोई नहीं, आप भले जो अपनी ओवरसाइट बिठाना चाहें आप बिठाएं, और उसके साथ साथ मलीर, और जो हमें पिछले साल मेजर प्रॉब्लम होता जिससे हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही है, फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा मदद नहीं मिल रही, लेफ्ट बैंक का जो हमें मेजर शो, फिर अगर बरसातें ऐसी आई तो ये हाँ मदद नहीं मिल रही है, तो वो हमें जो मैं कहता हूँ ना कि फेडरल PSDP में हमें कुछ नहीं मिला, ये स्कीम भी भेजी थी हमने लेकिन हमें उसमें मदद नहीं मिली, इंस्टेड वो गलियाँ और नालियाँ बनाने के लिए उन्होंने पैसे रख दिए। और चौथी चीज़ जो मैं आपको या पांचवी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कमीशन के बारे में इंक्वायरी कमीशन, मुर्तजा सवाल ले लेंगे। मैं देखें, आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया लेकिन मैं इसका जवाब डिटेल में दे नहीं सकूंगा, आप समझते हैं, इसलिए कि इन कैमरा सेशन था और उसमें जो बातें हुई हैं और वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, उसका अगला इजलास होगा, लेकिन जो मैंने खुद टीवी पे खबरें देखी हैं वो तो पब्लिक हुई हैं, उनके आपके जी एतराज़ वहाँ हुआ था हर एक की तरफ से कि वज़ीर आज़म साहब को खुद होना चाहिए था, मेरा अपना पर्सनल ख्याल भी है कि वज़ीर, इतना अहम इजलास था और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग उधर मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब खुद होते तो अच्छा था। उधर कहीं ये बात हुई कि शायद ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया कि वज़ीर आज़म आएंगे तो हम बायकॉट करेंगे, जहाँ तक मुझे, मैं अपनी पार्टी का तो बड़ा पक्का अच्छी तरह पता है और मैं उन्हीं के बारे में बात कर सकता हूँ कि ऐसी कोई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हुई, और नून वालों का भी आ गया है एक क्लैरिफिकेशन इसमें, तो बिल्कुल उनको होना चाहिए था। जो भी इस रीजन हमारे इस मुल्क को इस वक्त सिक्योरिटी इश्यूज हैं वहाँ डिटेल में डिस्कस हुए हैं, अभी इनकम्प्लीट है डिस्कशन जैसे मैंने आपको बताया। और मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पे हमारा शहर कराची, हम इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जो इस वक्त रीजनल चेंजेस आ रही हैं, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें हमें, हम बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कराची को भी, और कराची में जो आजकल सारी चल रही हैं मूवमेंट्स उनको भी, और हमें कुछ लिंक, और ये बात हुई है कि कुछ लिंक उनमें नज़र आता है, लेकिन हुकूमत सिंध, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे साथ और हमारे साथ आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम सब मिल के इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ होता है उसका स्पिल ओवर अफेक्ट तो आएगा, हम उसी रीजन में हैं, उसका स्पिल ओवर कम से कम हो। तो ये चीज़ें कुछ डिस्कस हुई थी लेकिन इन पे डिटेल में तभी बात कर सकेंगे जब कोई कॉन्क्रीट उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी और वो ऑफिशियली दी जाएंगी। वरी
अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने सवाल कर ही दिया है, मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन मैं एक छुट्टी पे जा रहा हूँ कुछ दिनों की और एक दो दिन में कुछ दिनों की छुट्टी पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाऊँगा। और मैं अभी कुछ दिनों पहले भी गया था, मेरे एक पर्सनल काम था जिस सिलसिले में मैं गया था, और अभी भी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ज़रूर जा रहा हूँ। लेकिन इसमें इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने और देखने और उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप भले जो कहें। चेयरमैन साहब का भी शायद प्रोग्राम है और वो उसकी डिटेल वही बताएंगे, मैं नहीं मुनासिब के बताऊं। आपने प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट जरदारी की तबीयत का कहा जी, कल हम उधर थे, कल ही मैं बल्कि इजलास में मौजूद थे जब ये हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी वाला, मैं भी मौजूद था, चेयरमैन बिलावल साहब भी मौजूद थे वहाँ। हमें पता चला था प्रेसिडेंट साहब पिछले दिनों आपने देखा होगा नेशनल असम्बली भी गए, इस्लामाबाद गए थे, लाहौर भी गए थे, ख़ासतौर पर नेशनल असम्बली में उन्होंने पूरा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, जरदारी साहब अपनी बीमारी के बावजूद बजट की वोट के लिए उस दिन मौजूद थे, और जो एग्जर्शन उधर हुई उससे उनको थोड़ी सी एग्जर्शन की वजह से तबीयत उनकी नासाज हुई और वो अस्पताल में है। मैं ख़ुद कोशिश करूँगा, अगर वो मुलाकात डॉक्टर्स इजाज़त देंगे आज तो मैं उनसे मिलूँगा, और बिलावल साहब भी वापस कराची हैं, दोनों ने कश्मीर जाना है, लेकिन वो उनसे मिल के फिर कश्मीर जो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई वास्तव जो आपने कहा कोई कनेक्शन नहीं है। कि एक दुकान थी वो सब भी सड़कों पे आ गए, तो उनके लिए आप क्या सोचेंगे, उनके लिए भी कोई बेनिफिट देंगे, कोई रिलीफ देंगे? दूसरा ये है कि सदारती निज़ाम सियासी बसीरत रखते हैं आप, आपके वालिद भी सीएम थे, तो सियासी गर्दिश कर रही है कि सदारती निज़ाम की तरफ या बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे हैं उस हवाले से? अच्छा पहला सवाल तो ये आपका, देखें हमारा पहली प्रायोरिटी है कि लोगों से मकान, घर से छत, बच्चों से उनके, उसका तदारुक जल्द से जल्द किया जाए। मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से इमीडिएट नहीं कर सकता, मैं उनसे ये कहूँगा कि हुकूमत सिंध आपके साथ है, आप भरोसा करें, हम हर स्टेप लेंगे ताकि आपको रिहेबिलिटेट करें। बाकी जो बिजनेसेस हैं, अगर किसी की लीगल बिजनेस है तो उसको ऑटोमेटिकली, उसको हमने कहा हुआ है अगर लीगल बिजनेस मिलेगा। आपने निज़ाम की बात की, अब वो मैं निज़ाम, असल में मसला ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको खुद अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा निज़ाम अच्छा है। कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, फिर उन्होंने एक इंटरव्यू मैंने खुद देखा उनका कुछ दिनों पहले था, और फिर मुझे याद इसलिए आया कि किसी ने दोबारा आज ट्वीट किया, उसमें वो कहते हैं कि जी हम मुसलमान पीछे इसलिए रह गए कि हम बादशाहत की तरफ चले गए और मग़रब जो है वो जमहूरियत की तरफ गया, वहाँ मेरिटोक्रेसी थी, जमहूरियत में मेरिट पे लोग आए और जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी हुई, इसलिए वो आगे निकल गए। और फिर कल या परसों एक और मैंने सुना, ये पहले भी ऐसे ये कर चुके हैं कन्फ्यूज्ड स्टेटमेंट्स, फिर सुना कि नहीं जी जो कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है चाइना का वो सबसे अच्छा है। अब ये तीन अलग अलग सिमते हैं, बिल्कुल अलग, बादशाहत, जमहूरियत और कम्युनिज्म, तीनों एक साथ एक ही दिमाग में होना थोड़ा सा परेशान कुन होता है। लोग हैं कम्युनिस्ट भी होते हैं, लोग बिल्कुल डेमोक्रेट होते हैं प्योर, जो कुछ और सोच ही नहीं सकते, लेकिन एक ही जहन में ये तीनों कॉन्सेप्ट होना एक निराला जहन है, वो मुझे थोड़ा सा हम सबको देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा 73 का आईन डिफाइन करता है कि इस मुल्क में कौन सा निज़ाम चलना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारी जमहूरी कुव्वतें
ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पर यकीन रखती हैं। कई बातें बीच में हुई हैं, ये कहना ना सर, लोग कहते हैं कि जी इस हद तक कहते हैं कि आप काबिल ही नहीं है इस सिस्टम के, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं, आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए कि हम काबिल नहीं हैं कोई ये, हम बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत, अगर वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अनफेदर्ड चले, पार्लियामेंट को वो पावर हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम रहे, बाकी लोग इंटरफियरेंस उनकी उस पार्लियामेंट के अंदर ना हो, तो ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कंसेंसस से, और उस कंसेंसस में सारी जमातें, उसमें वो जमातें भी थी जिनका थोड़ी सी लीनिंग कम्युनिज्म की तरफ थी, उसमें रिलीजियस पार्टीज भी थी, सब ने मिलके ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चूज़ किया था, और इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट्री सिस्टम ही इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। इरीगेशन के ऊपर हमने बड़े मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर किसी के घर के का नुकसान हुआ है तो हम वो पूरा करेंगे, और हमने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कैबिनेट का फैसला कि सिवाय वाटरवे पे हम किसी का घर नहीं गिराएंगे। और कुछ ज़रूर शुरू में हुए थे प्रॉब्लम्स, जो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पास ऑन नहीं हुई और लोअर लेवल पे हुई गड़बड़, उसके बाद ये बंद हो गया, और कहीं अगर हो रहा है हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मिनिस्टर साहब बैठे हैं वो खुद देख रहे हैं, और नहीं ऐसा हो रहा। मारीपुर रोड की जहाँ तक बात है, वहाँ पर जो इलीगल दुकानों ने आगे अपने छपरे बढ़ाए हुए थे और इस टाइप की थे, घर किसी का भी नहीं गिराया है। अगर कोई घर है, मैं अगेन मैं कहता हूँ, तो हम उसको भी इंशाल्लाह ताला कॉम्पनसेट करेंगे अगर किसी का घर है। बाकी देखें अब वो सहूलत जो उसकी हुई है उस रोड के बन, इंशाल्लाह ताला वो तकरीबन तैयार है, उसकी इनॉग्रेशन करेंगे जल्द, तो उसका जो फ़ायदा हुआ है वो भी सब देख रहे हैं। इसी तरीके से गुज्जर और औरंगी नाले पे कोई शौक से नहीं, चेयरमैन साहब ने जैसे आप लोगों ने कहा, कोई शौक से नाले पे बैठता नहीं है, और शौक से कोई हुकूमत किसी का घर भी गिराना नहीं चाहती। इशू यही हो गया था कि शहर में पानी के निकास के लिए ख़ासतौर पर बरसातों में आपको वो वाटरवे क्लियर करने थे, नहीं तो बहुत लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी, इस वजह से हुकूमत ये कर रही थी। देखें पहले जो आपने कहा बिल्कुल आपकी सही बात है, और हम इसके फर्म बिलीवर हैं कि पहला हक इसमें मलीर के लोगों का, जो जिनकी ज़मीन थी उधर, और ये मतलब एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ना, कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जिन लोगों को की ज़मीन थी वो या जिस इलाका था उनको पहला फ़ायदा पहुँच चाहिए, और यही प्रिंसिपल हम ले कर अपनी दरख्वास्त में पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए कि इन फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो। और जो आपने बताया ये तो इनिशियल, मैंने फिर से बताया कि इनिशियल रिक्वेस्ट है, और हम सुप्रीम कोर्ट से जो आगे रिक्वेस्ट करेंगे उसमें ये इंश्योर करेंगे कि इन इलाकों के मलीर के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की भलाई के लिए खर्च हो। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानना आइन के अंदर
है और हमने मानने, आइन से बाहर मैं कोई बात नहीं करूँगा। रिव्यू में जाना तो हम लोग रिव्यू में जा रहे हैं और हमने ये पूरा कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे उस रिव्यू को, जो लोग अफेक्टेड हैं हम भी अपना रोल उसमें कोर्ट के सामने प्ले करेंगे, इंश्योर करने के लिए कि लोगों के साथ कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का इशू ना हो। इशारे मिले हैं, मेरा इसमें ख़ास क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी वो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वहाँ उसमें कुछ इजाफा हुआ है, क्या उसके कुछ असरात भी यहाँ महसूस किए जा रहे हैं? दूसरा ये है कि जो आपका पहले बुनियादी इशू उसके है, शहर में इस वक्त भी यही कहा जाता है कि 40-50% आबादियाँ जो हैं वो गैर कानूनी है या तो उनकी लीज़ नहीं है या वो बाकायदा कानूनी तौर पर, क्या उनको कानूनी शक्ल देने के लिए आपकी हुकूमत कोई ऐसा मंसूबा बना रही है? जज़ाकल्लाह। पहले तो अब्दुल्जब्बार आपने जो बात की, ये पूरा जो रीजन में पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, हम एक बड़ी देखिए, यही पाकिस्तान अगर कहीं होता वेस्टर्न यूरोप के किसी कोने पे तो कोई हमें पूछता भी नहीं। हमारी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, हमारे ईस्ट में एक होस्टाइल हमारा नेबर है लेकिन उसके साथ साथ वो एक बड़ी ताकत भी है। हमारे नॉर्थ में दुनिया की सबसे तेज़ इकॉनमी, नंबर 2 इकॉनमी इन द वर्ल्ड है अब, और जैसे आगे बढ़ रही है लोगों का ये ख्याल है कि ये नंबर 1 इकॉनमी हो जाएगी कुछ दहाइयों में। हमारे वेस्टर्न साइड पे एक अनस्टेबल मुल्क है अफगानिस्तान, और फिर ईरान के अपने जो अपने नेबर्स के साथ और फिर हमारे साथ बीचों से वो भी हैं। तो हमारी लोकेशन ऐसी है कि इसके अफेक्ट्स हर तरफ आते हैं इस मुल्क में, और यही अफेक्ट बलूचिस्तान में भी आता है और कराची ख़ास तौर पे इसलिए अफेक्ट हो जाता है, जैसे मैंने कहा कराची में पूरे मिनी पाकिस्तान है हर जगह से, और एक इकोनॉमिक सेंटर है, लोग इधर आते हैं अपने माशी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो एब्सोल्युटली ये जो सारा है, और ये जो अगेन मैं नहीं कल की कॉन्फ्रेंस के बारे में और कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन बड़ी टाइमली थी और मेरा ख्याल है ऐसी और इंगेजमेंट्स होनी चाहिए और पार्लियामेंट को फैसले करने चाहिए, और सबका ये यकीन था जो आपकी बात है ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये पार्लियामेंट फैसले करे। और एक चीज़ मैं खुद खैर इतना ज़्यादा एक्सपर्ट इस चीज़ में नहीं हूँ, लेकिन एक बात की जाती ना, वो आजकल बड़ी चल रही है कि हम अपने बेसिस नहीं देंगे बनाने या कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, भाई आप दे भी नहीं सकते ना। 2012 में पार्लियामेंट सलाला के अटैक के बाद एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था, उसके अंदर साफ लिखा है। तो ये है पार्लियामेंट की मजबूती के अगर जब नहीं ऐसा था डॉक्यूमेंट तो क्या हम आज ही सूरत हाल थी और अब मजबूर हैं। तो खैर ये इश्यूज आएंगे। दूसरा आपने जो बात की कि जो लोग अनप्लान्ड या इलीगल, इस जो कमीशन हमने ये कहा है उसमें यही है कि लोग जाएं इंस्टेड के सुप्रीम कोर्ट में, लोग जाके और सुप्रीम कोर्ट में पूरे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली कानून के तहत फैसले करती है, मोशंस पे फैसले नहीं करती है। वो अगर मेरी गलती है, आपकी गलती है, उसकी वजह से 500 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो कानून देखेगी। इसीलिए हम ये इंक्वायरी कमीशन दे रहे हैं और उसमें हम एक ये शिक भी दे रहे हैं कि लोग जाएं और उनसे रिकमेंडेशन लें कि इसको दुरुस्त करने का तरीका क्या है, और ऐसे पहले भी कवानीन बने रेगुलराइजेशन वाले, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और ये रिकमेंडेशन उस कमीशन की आएगी तो हम सूबाई असम्बली से वो कवानीन भी पास कराएंगे ताकि उन लोगों को, अगेन इसमें ये हमने इंश्योर करना होगा कि उससे और किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन मिनिमम जो प्रॉब्लम्स के साथ जो रेगुलराइज
कर सके वो इंशाल्लाह ताला उन कवानीन के तहत जो रिकमेंडेशन आएगी करेंगे। बना बना उसी दौर में है लेकिन पहले जमीन वगैरह पहले दे दी गई थी जी। लेकिन जो कराची में बेताहाशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है तो वो कैसे हुई, उसका जिम्मेदार भी यकीनन पीपल्स पार्टी है कि नहीं? बेताहाशा एक तो एक दूसरा सवाल नहीं, नहीं बेताहाशा बेताहाशा अगर कानून तामीरात है अलावा ऑपरेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने कमा दिए हैं जाहिर है वो जिम्मेदार भी पीपल्स पार्टी होगी। इसके अलावा कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ हुआ है वो 13 साल की हुकूमत है आपकी, उसको बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, कोई ग्राउंड पे जो है वो मंसूबे नज़र नहीं आते, तो ये दोनों ज़रा सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सबसे पहले तो आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने ये कमीशन बनाया, खुद ही बनाया, अपने लिए बना रहे हैं, कैबिनेट ने अप्रूवल दिए और ये चीज़ें देखेगी कि किसकी जिम्मेदारी है। अगर मेरी जिम्मेदारी है मैं भी सजा खाऊंगा, ये बड़ा क्लियर। और हम अगेन मैं कह रहा हूँ इस परसेप्शन को शायद मैं नहीं दूर कर सका, लेकिन कराची के अंदर अब ये नस्ला टावर आप सब सारे उठा लें कि जो जो आ रहे हैं किस किस की जिम्मेदारी है इसमें, या वो पवेलियन क्लब की जो बात कर रहे हैं किस किस की जिम्मेदारी है, कौन था उसमें, बहुत कह देना आसान है। यस 13 साल से हमारी हुकूमत है लेकिन हर हुकूमत के अब टैक्स कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो भी टैक्स वो कलेक्ट वो पूरी नहीं कर सकती उसके मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरी अपनी जिम्मेदारी है जहाँ पे वो हम पूरी नहीं करते बिल्कुल आप मुझे कसूरवार ठहराएंगे, या जो हमसे नीचे थर्ड टीयर है उसकी जो जिम्मेदारी है वो कानून के तहत उसको जो पावर है वो आप मेरे ऊपर डाल नहीं सकते कि आपके। दूसरा आपने बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस पर मुझे थोड़ा सा आपसे इतराज़ है। मैं कई बार मैं तो ये मुझसे सवाल ये नहीं, इसी परसेप्शन की वजह से शायद आप लोग में से शायद कोई लोग मौजूद हो, मुर्तज़ा नासिर शाह साहब तो थे मेरे साथ सुहेल नहीं थे उस दिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो ये सवाल मुझसे चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछते सर, और मैंने जब गिनाने शुरू किए प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप लिख के भेज दें। तो मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ आपको देखनी चाहिए ये शारा फैसल या तारिका हब चौकी रोड या कैंट स्टेशन के वो या जो सारे कई, मैं तो इसलिए याद नहीं करता हूँ कि ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि कुछ नज़र नहीं आ रहा पहले थोड़ी सी ज्यादती है। यस होना बहुत ज़्यादा चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए ही तो मैं शोर मचा रहा हूँ। मैंने कई बार कहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं वो मैं नहीं पोटोक्रॉस कर सक रहा बात, कि कराची की ओवर द ईयर्स और उसमें आप हमें भी 13 साल कह दें लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कराची के अंदर आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, और सूबाई हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। इसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी कहते हैं और हम इंटरनेशनल इवन फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है अभी, और उसी लिए हम इंटरनेशनल एजेंसी से बात करें। इस वक्त जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके 65 अरब रुपये का रेड लाइन का प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह कुछ महीनों में उसके हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। आपका 30 या 35 अरब रुपए का येलो लाइन का प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए जो पानी को साफ करने के, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। आपका मलीर एक्सप्रेसवे, मतलब आप अगेन ये एक एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप प्रोविंशियल ADP से एक प्रोजेक्ट भी शायद ना कर सके पूरे साल में, बल्कि बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि एक ही प्रोजेक्ट करना होगा और सारी चीज़ें छोड़ देनी होंगी। इसीलिए आपको और हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि इंटरनेशनल एजेंसी से भी बात करने के लिए आप हमारी मदद करें, वो मदद हमें नहीं मिलती। आपने कहीं देखोगा, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ, वर्ल्ड बैंक मेरे ख्याल है हर महीने आके हमसे इधर मिलता है तकरीबन, और बड़ी मेहनत से हमने उनके साथ अकेले बात करके, लेकिन उस अकेले बात करने में एक स्टेप वो होता है फेडरल गवर्नमेंट EAD की अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन कभी वो हमारे साथ बैठे नहीं है उनको कन्विंस करने, हमें ही पुश करना पड़ता है और फिर कुछ ये जो हुआ है फिर अप्रूवल्स बड़ी मुश्किल से मिली इसीलिए डिलेज हुए। तो ये बड़ी नाजायजी आपकी कहना कि कुछ नज़र नहीं आता, ये बड़ा एक स्टीरियोटाइप सवाल जो है ना हर एक के जहन में है। अब वो ये है कि आपने बस कह देना और इस तरीके से कहो कि सब समझे कि ये सही है, मेरा नहीं ख्याल है। यस मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है,
और उसको करने के लिए हमारे पूरे प्लान्स विद प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने बताया था इस साल में इंशाल्लाह ताला, अब वो 19-20 हो सकता है, 109 अरब रुपए इस माली साल में अगले में हम कराची शहर के ऊपर खर्च करेंगे। और उसके बाद जो फिर ये भी कहा गया ना कि जी मैंने कहा कि 1000 अरब चाहिए तो 109 यानी 10 साल तो आपको लगेंगे। तो अगेन ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिग टिकट आइटम्स होते हैं जो बड़े इंटरनेशनल एजेंसी से कर रहे हैं, जब वो शुरू होते हैं तो उनमें कम पैसा चाहिए होता है, जैसे वो पेस पिकअप करते हैं तो उसकी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है। हमें पेस पिकअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बड़ा क्लियरली कहूँ, मैं पिछले साल भी ये बात की थी, लेकिन अब हम काफ़ी एडवांस स्टेज पे, और वो पेस पिकअप करने की वजह भी मैंने आपको बताई, हमें जो मदद फेडरल गवर्नमेंट से इकोनॉमिक अफेयर्स से वो नहीं मिल रही, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके हवाले कर देगी, वफाक ने भी आपको जो NFC अवार्ड था उसमें से पैसे नहीं दिए, फिर जब दोबारा रिवाइज हुआ उसमें से भी कटौती की, ना वफाक आपको पैसे देना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये पैसे हैं बहुत अरसे से पड़े, उनको देने हो तो पहले दे देते, लेकिन अब आप इतने पुरउम्मीद हैं, किस बात पर इतने पुरउम्मीद हैं आप? सबसे पहले तो आपने वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग बात की, लेकिन उसको छोड़ के आपने कहा कि जजेस क्या कहते हैं, स्पीक थ्रू द जजमेंट्स, बड़ी थ्रू जजमेंट्स, लेकिन वो जो रिमार्क्स हैं वो ज़्यादा उनको प्रोजेक्शन मिलती है, वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है, बहुत क्लियरली उसकी जिम्मेदारी जो मेरे सामने बैठे ना आप लोग उनकी है। इस रीसेंट जो अभी हुआ था ना, और मैं बड़ा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, और मैंने ये कई जगह पर कहा है कि मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब थे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। 14 जून को ये रिमार्क्स आप लोगों को से पता, मैं नहीं था कोर्ट में मौजूद, मुझे TV के टिकर से पता चला, ये जो आप लोग चलाते हैं सारे चैनल वाले, दुरुस्त आपको पता होगा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन जो रिटन ऑर्डर है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और रिटन ऑर्डर में क्या है जो आपने आज तक नहीं, मैं तो 4 बार कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग को कोई बंदिश है नहीं कहने कह देते कि रिटन ऑर्डर के पैरा 21 में 14 जून के लिखा था कि जी मुझे पता चला है, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि मुझे पता चला है कि गवर्नर हाउस में कोई मीटिंग हुई है जिसमें रेलवे मिनिस्टर ने लोगों से ज़मीनें बेचने, रेलवे ज़मीनें बेचने के लिए कुछ डील्स करने की बात की है। ये पैरा 21 है जो राइटिंग में है, जो आप कह रहे हैं ना जज स्पीक थ्रू द ऑर्डर्स, और फिर उन्होंने आगे मना किया कि बिल्कुल रेलवे को इजाज़त नहीं है ज़मीन बेचने की वगैरह वगैरह, वो तो कोई नहीं कह रहा। क्या गवर्नर हाउस इसलिए बनाया था एक जो सूबे का गवर्नर है उसका घर व्हीलिंग और डीलिंग के लिए आए काम हो? मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, मैं ये कह चुका हूँ कई बार, बहुत ही एक्चुअल तो ये था ना, कभी भी इस किस्म के बड़े क्लियर हैं, आप लोग ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार, आप लोग को सिर्फ वो टिकर अपना याद है, लेकिन जो रिटन में ऑर्डर है उसमें या वो नहीं कि कोई करता। तो ये आपकी बिल्कुल बात तो दुरुस्त है, लेकिन बस इधर इसी हद तक है। मैं आज फिर बोलूँगा, ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ ये बात कि गवर्नर हाउस के अंदर डीलिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे नहीं पता है, मैं तो नहीं था ना उस डील के, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रिटन ऑर्डर में कहा है, दैट मुझ पे मुझसे एट्रीब्यूट ना करें इसे,
मुझे गालियां ना दें इस बात पे, मैं नहीं कहूंगा किसे दें मतलब, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही अपने ऑर्डर में। दूसरी बात, ये इशू था ये कि जब बहरिया के फंड्स थे उसके लिए कोर्ट ने काफ़ी मेरे ख्याल है कि सुस्त रवि का मुजाहरा किया, कभी कमीशन बना रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे जिनका हक है, और मैं रिपीट करूंगा कि आईन के मुताबिक ये सिंध के लोगों के पैसे हैं, सिंध के लोगों के पैसों को खर्च करने के लिए आईन मिले। आप चाहे वो लोग जो ऊपर से बैठे कहते ना खा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं क्या कह सकता हूँ उसका जवाब, उसका हक सूबाई असेंबली को है, सिर्फ सूबाई असेंबली थ्रू बजट ऑथराइज करती है हर किस्म का एक्सपेंडिचर, एक एक रुपया ऑथराइज होता है। हुकूमत ज़रूर डिमांड अपनी डालती है असेंबली में, असेंबली उस डिमांड को अप्रूव करके वो फिर ग्रांट कर देती है हुकूमत को, ये तरीके कार है आईन का। तो मैं आईनी बात सिर्फ कर रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत ने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस सूबे के ये फ़िलहाल जो तीन मैंने आपको बताई चीज़ें ये मुनासिब हैं, ये सही है, आप मेहरबानी करके दें। और हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर कोई और जहन में चीज़ें आप जुडिशल ओवरसाइट इस पर जिस किस्म की चाहे कर लें, लेकिन कर लें भाई जल्दी कर लें ताकि ये लोगों के फायदे में, इसलिए कि इस वक्त अगेन मुझे नहीं डिटेल पता लेकिन मैं आई कैन सेफली से ये पैसे कोई किसी की जेब में नहीं पड़े होते, ये पैसे हुकूमत की ट्रेजरी में पड़े होते हैं, और पैसों पे लिखा नहीं होता कि ये रुपया जो है ये बहरिया टाउन का है, ये रुपया मेरे इनकम टैक्स से आए, ये 5 रुपये आपके इनकम टैक्स से आए, ये नहीं लिखा होता, वो पैसे खर्च हो जाते। तो वफाकी हुकूमत उन पैसों का इस्तेमाल कर रही है इस वक्त, पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ कि नहीं, ये बात ये मैं नहीं कह रहा कि खा गई है, लेकिन वो इस्तेमाल उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है उसका, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते सिंध के लोगों के लिए, सिंध के जिनके जिनका हक है इसके ऊपर। ॾींदा से उनखां अलावा उन्हनि चयो त 200 चेकअप रेडी थी विया आहिनि, पर मुतासिरनि खे हिन वक़्तु ताईं उहे पैसा जेके आहिनि उहे न मिलिया आहिनि। हिन जे बाद नया हाउसिंग स्कीम तहत जेको आहे चयो त असां उन्हनि खे प्लाट ॾींदासीं, हाणे तव्हां ॿी स्कीम जी ॻाल्हि कई आहे, त छा वफ़ाक मना करे छॾियो आहे? ऐं ॿियो सुवालु इहो मुंहिंजो त हिकु थीम हुयो पेनाफ्लिक्स ठाहींदो हुयो उर्दू बाज़ारि में, जंहिंखे जंहिं बरिया टाउन नामंज़ूर जो पेनाफ्लिक्स ठाहियो हुयो, दुकान ते वेठो हुयो उनखां उते उनखे अरेस्ट करे विया आहिनि, महीने खां उहो जेल में आहे उन ऐं दहशतगर्दी त 3 FIR में उनजो नालो नाबद कयो वियो आहे, त उनजो हिकिड़ो ॾोह हुयो जो हिन वक़्तु ताईं उहो जेल में आहे। अच्छा, पहिरीं ॻाल्हि जेको तव्हां सुवालु कयो उर्दू में ई जवाबु ॾियां, हिन करे सभु उहो जवाबु आउं ॾेई चुको आहियां। 15,000 रुपए जो मैंने शुरू ई उधर से किया था, पता नहीं आपने नहीं अटेंशन पे किया, सॉरी मैं कभी कभी थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूँ, उसको माइंड नहीं किया करें कि मैं कहता हूँ आपने सुना नहीं मुझे। 15,000 रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, वो पैसे दिए और उन जो लोग उनमें कुछ लोग नहीं ले रहे थे अंडर प्रोटेस्ट, तो उनको शायद नहीं मिले, बाकियों को मिल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान हाउसिंग में देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा, और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि उल्ली का अफेक्ट लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ पे स्टेप्स ले रहे, इसलिए हमने इंटरवीन किया और हम ये कर रहे हैं। दूसरा, जो भी बहरिया टाउन के अंदर लोग अरेस्ट हुए थे वो एक एक की इन्वेस्टिगेशन पूरी देखिए, और मुझे भी इसलिए कि मैंने लॉ मिनिस्टर की कहा था कि वो खुद पर्सनली इसको रिव्यू करें, मुझे बता रहे हैं कि जो भी और शायद जो इस शख्स का आपने नाम लिया वो उसी लिस्ट में आएगा कि नहीं है इन्वॉल्व और उसको छोड़ दिया जाएगा, और जल्द मुझे आखिरी सवाल। बिल्कुल
अच्छा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे आपने पहली बात की ना, मैंने पढ़ा था ये सारा, उसमें एक जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ना, व्हाट स्टेप जो हम चाह रहे हैं रिकमेंडेशंस, ताकि कोई ये ना कहे कि जी सिंधु कुमार हम अनफॉर्चुनेटली जो एक माहौल बना दिया गया है, हम एक जैसे मैंने कहा कि हम सुपीरियर कोर्ट के जज या 21 ग्रेड के अफसर की रिकमेंडेशन चाह रहे हैं, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट नो सच एक्ट और ओमिशन टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर। ये कानून साजी हमें रिकमेंड करेंगे जो हम करेंगे, ताकि आगे ना हो ये बात। दूसरी आपने बात की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो जो डीजी उसका होता है वो काडर पोजीशन में, और कोर्ट्स हमें कहती हैं कि सिर्फ काडर ऑफिसर लग सकते हैं। काडर ऑफिसर कौन होता है, या वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हो या एक्सपीसीएस हो, उसमें कोई टेक्निकल की शर्त नहीं है। मतलब अगर आप करना भी चाहें ना तो कानून इजाज़त नहीं देता। कानून हमने बीच में ये चीज़ देखते हुए रिकमेंडेशन एक थी कि कानून को चेंज किया, जो कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी उस कानून को बदलने की। तो ये चीज़ें कहना बहुत आसान है। मैं दो आई मे और मे नॉट अग्री कि क्या होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए या काडर ऑफिसर होना चाहिए, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मुझे चलना है कानून के मुताबिक जो कानून कहता है। और बाकी जो आपने बातें की वो ये जो ओमिशंस हुई हैं, अगेन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी, हम चाहेंगे ये कमीशन पॉइंट आउट करें, हम उन लोगों को, और उसमें चाहे मैं आता हूँ या कोई भी आता हूँ, उनको उसकी सज़ा मिले। और जहाँ पे किसी और की जिम्मेदारी है, जो भी मेरे खाते में यानी सिंध हुकूमत के खाते में डाल दी जा रही है, वो भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या है।